आजमगढ़ जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, इस बार मामला बेहद संगीन है। आपको बता दें, देश में अपनी जड़ें जमाने में जुटी आईएसआईएस की पहुंच माफिया डॉन अबू सलेम के शहर सरामीर तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में भारतीय लोगों को बरगलाकर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती अमजद खान उर्फ अयान खान सलाफी को हाल ही में भारत को सौंपा गया है। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया है कि इस आतंकी के तार आजमगढ़ जिले के सरामीर के एक मेडिकल छात्रा से भी जुड़े हुए हैं। दोनों की दोस्ती 2012 में फेसबुक के जरिए हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। यह मेडिकल छात्रा उस आतंकी की बातों से इतना प्रभावित हुई कि एक होने का फैसला कर लिया और मई 2016 में दोनों ने परिवारों की सहमति से फोन पर निकाह भी कर लिया था। बताते हैं कि वह आईएसआईएस आतंकी सलाफी से अहले हदीस और इस्लाम के बारे में चर्चा करती थी। सलाफी ने इस लड़की को अपने साथ आने और सीरिया में इस्लामिक जीवन बिताने का ऑफर भी दिया था। आतंकी ने लड़की को यह बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। अप्रैल 2014 में सलाफी सऊदी अरब चला गया। उसने इस लड़की को सऊदी अरब आने के लिए प्रेरित भी किया। उसने कहा था कि सऊदी अरब आने में शफी अरमार नामक व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा। यह वही शफी अरमार है जो भारत में आईएसआईएस की आतंकी नेटवर्क से जुड़े संगठन का प्रमुख है। सलाफी ने लड़की को प्रलोभन दिया था कि सीरिया में उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना होगा और दोनों लोग चैन के साथ वहां रह सकेंगे। हालांकि यह मेडिकल छात्रा उसकी बातों में आकर सऊदी अरब नहीं गई, इसलिए एनआईए के अधिकारियों ने उससे पूछताछ नहीं की। अभी वह आजमगढ़ में ही है। एनआईए ने लड़की की पहचान उजागर नहीं की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरायमीर, संजरपुर, बीनापारा आदि के तार आतंकी संगठनों से जुड़ चुके हैं। माफिया डॉन अबू सलेम का पैतृक गांव होने के कारण यह पहले भी चर्चा में रहा है। अब आईएसआईएस के तार जुड़ने के बाद एक बार फिर से आजमगढ़ का सरायमीर शहर चर्चा में आ गया है। सरायमीर की एक मेडिकल छात्रा का आईएसआईएस आतंकी से शादी करने का प्रकरण सामने आया है। जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तंत्र को सतर्क कर दिया गया है। अभी तक कोई पुष्ट जानकारी हासिल नहीं हुई है। ये आप लोग के द्वारा ही मुझे सूचना प्राप्त हुई है, अभी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और एलआईयू से भी हमने बात की, अपने यहाँ जो हमारी विंग है इन्वेस्टिगेटिंग, बाकी हमारी विंग्स हैं उनको भी इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया है, इसमें हम लोग और डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही प्राप्त होगा आप लोग को हम शेयर करेंगे।